स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th और हम चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है यदि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं 11th क्लास में भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरपूर मिलेगी और 12th क्लास में भी मिलेगी। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना जरूरी है जिससे कि 11th क्लास में आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि 11th क्लास में आगे आपको इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। अगर आपने इसके बेसिक्स क्लियर कर लिए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ही क्यों रखा गया? क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी कार्बन पर ही बेस्ड है, क्योंकि कार्बन से ही हम सब मिलकर बने हैं। आप विजिबल है, मतलब हम आपको देख पा रहे हैं, आप किसी भी चीज को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्बन से मिलकर बनी है। अदरवाइज अगर वो कार्बन से मिलकर ना बनी होती तो आप उस पर नहीं देख उसे आप ना देख पाते। प्रोटीन्स विटामिन्स फैट्स सब कुछ जो अपने आसपास आप देख रहे हैं वो कार्बन से ही मिलकर बना है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, सब कार्बन से ही मिलकर बने हैं और उसके कंपाउंड्स हैं। मैं खाली कार्बन नहीं कह रहा, कार्बन और उसके कंपाउंड्स, मतलब कार्बन ने दूसरे एटम्स के साथ मिलकर कंपाउंड बना रखे हैं। तो कार्बन एक एलिमेंट है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। सिंबल है इसका सी और ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल तो आप जानते होंगे, जो कि टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और जो कि आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। ओके, तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है अर्थ की क्रस्ट में, मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें जो अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में, वो काफी स्मॉल है। जो अर्थ की क्रस्ट है वो केवल 0.02% कार्बन रखती है। सभी लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स हो एनिमल्स हो, सभी के सभी कार्बन और उस पर बेस्ड कंपाउंड से ही मिलकर बने हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड खोजा गया था वो था आपका यूरिया, NH2CO NH2। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि पहले तो हमें ये जानना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, कुछ को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं गिने जाते। कुछ ऐसे भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिन्हें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं गिनते हो। तो अब कार्बन के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करते हैं और डिटेल में चलते हैं। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स पता है या नहीं? अगर नहीं पता है तो समझिए। देखो दो चीजें होती हैं। या तो आपका कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। भाई जैसे एग्जांपल लूं मैं, यदि मैं एग्जांपल लूं तो हमारे पास जो एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है 8। और ये आपको पता ही होगा कि हर एटम क्या चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं ऑक्टेट, यानी कि हर कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो ये तो हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपका हो गया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो सोडियम यदि एक सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में और 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, या ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका छोड़ दे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2.8। यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तब बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8। अच्छा ये बताइए कि 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में फायदा है या एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने में? ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने में, क्योंकि ज्यादा आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन
लॉस कर ले। या तीसरी चीज एक होती है कि एटम ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करे ना एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, ऐसा ही कार्बन है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही कोई एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। अब ये क्या चाहता है कि इसे दो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2.4, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में और 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा, यानी कि 2.8 वाला कॉन्फिगरेशन, या ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बचेगा केवल और केवल 2। हमें पता है हीलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 होता है और हीलियम भी स्टेबल होता है। अच्छा एक बात हो रहा है कि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ऑक्टेट पर। हर कोई अपना ऑक्टेट क्यों पाना चाहता है, हर कोई 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी वैलेंस शेल में क्यों रखना चाहता है, इसलिए रखना चाहता है जिससे कि उसे स्टेबिलिटी मिल सके। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा स्टेबिलिटी लाते हैं, अभी फिलहाल तो आप इतना ध्यान रख लीजिए। लेकिन हीलियम के केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्यूप्लेट। क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट। और इसे हम बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को यदि वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल होती है आखिरी शेल, यदि आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्टेट और 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ड्यूप्लेट। हीलियम बनाती है अपना ड्यूप्लेट, बाकी सब बनाते हैं ऑक्टेट, मतलब यदि स्टेबिलिटी चाहिए। तो या तो इसे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल जाए। अच्छा अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, हीलियम का 2, तो ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसे मिल जाएगा। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है स्टेबल, या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा नियोन का 2.8, तब भी ये बन जाएगा स्टेबल। लेकिन ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करता, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता। ये क्या करता है, अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। मतलब मान लीजिए 4 हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन वे रखते हैं। अब अगर उन्हें स्टेबल होना है तो उन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन है मेरे पास और वे कार्बन के पास आए, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को भी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं, कार्बन से चारों के चारों हाइड्रोजन आकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 4 हाइड्रोजन से, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कार्बन से, और कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, कार्बन भी 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑक्टेट में ले आएगा और हाइड्रोजन को भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अपने ड्यूप्लेट को पूरा करने के लिए मिल जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग। ना तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के पास, ना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स होंगे हाइड्रोजन के पास, बस ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, शेयर। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्रांसफर से जो बनता है कंप्लीट ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन्स की उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसके हमने अभी पहले एग्जांपल्स पढ़े थे। यदि इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए या गेन हो जाए तब बनता है आपका आयनिक बॉन्ड, अदरवाइज यदि शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की तो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब अभी ये तो शायद हवा में गया होगा, मतलब आपकी समझ में शायद इतना ना आया हो। जब हम IUPAC को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तब हम आपको स्ट्रक्चर्स बनाकर दिखाएंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, वहां आपको ये सारी चीज बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अभी हम पहले सोच रहे हैं कि थोड़ी थ्योरी आपको कंप्लीट करा दे, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होता है, टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कि ये 4 वैलेंसी रखता है, मतलब 4 दूसरे एटम्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 4 हाइड्रोजन के साथ ये आपका बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 4 इसकी वैलेंसी खाली होती है, क्योंकि इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में चाहिए, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है, इसलिए 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। वे हाइड्रोजन ही नहीं होने चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है कि वे हाइड्रोजन ही हो, कुछ भी एटम्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली जहां आपको कार्बन मिलेगा वहां आपको हाइड्रोजन भी पक्का मिलेगा। सेल्फ कॉम्बिनेशन, हाँ ये जो कार्बन है ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी रखता है, बिल्कुल इसे मैं अच्छी प्रॉपर्टी ही कहूंगा, क्योंकि यही हमारे सर्वाइवल के लिए पॉसिबल है। कार्बन जो है
कार्बन के साथ, कार्बन जो है दूसरे कार्बन, तीसरे, चौथे कार्बन, पांचवे, छठे, मतलब कार्बन की लंबी लंबी चेन बन जाती है। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या दूसरे एटम्स के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना बनाकर बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है। इसलिए हम केवल और केवल कार्बन को स्टडी करते हैं, क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा एटम है जो कि लॉन्ग लॉन्ग चेन बना लेता है आपस में कंबाइन होकर। एक कार्बन के साथ हजारों कार्बन एटम्स जुड़ सकते हैं। और कोई एटम ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रखता, सिलिकन रखता है, लेकिन सिलिकन की वो प्रॉपर्टी जो है एक लिमिटेड होती है, लेकिन कार्बन की ये प्रॉपर्टी अनलिमिटेड है। कार्बन के साथ अगर मैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कंपैरिजन के बेसिस पर ले रहा हूं, ये कोई परफेक्ट चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल के बेसिस पर ले रहा हूं कि यदि कार्बन 1000 कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है तो सिलिकन केवल 50 कार्बन एटम्स के साथ, सॉरी 50 सिलिकन एटम्स के साथ जुड़ सकता है। यदि हम कंपैरिजन कर देखें तो इसका मतलब कार्बन ही प्रॉपर्टी रखता है लॉन्ग चेन बनाने की। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन, CATENATION, कैटिनेशन। अब पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो जो कंपाउंड्स होते हैं आपके कार्बन के, उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जो कंपाउंड होते हैं कार्बन के, उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का थोड़ा फील लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या, इन्हें हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम इतना अपना मतलब टाइम इन्हें क्यों दे रहे हैं, क्यों इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर अपना बना दिया गया। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहले माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही मिलते हैं, जैसे हम हो गए, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स हो गए, केवल इन्हीं के अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। ये आपके प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सब जो होते हैं ये आपके, या फिर यूरिया जो हमने पढ़ा था बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट में, यूरिया जो कि आपका एक्सक्रिएशन के दौरान बॉडी से बाहर निकाला जाता है, मतलब हमारे लिए वो हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है, इसलिए यूरिन के थ्रू से बाहर निकाला जाता है। तो जो यूरिया है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, और वही है NH2CO NH2। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, उनसे गलती से लैब में, वे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया, और अमोनियम साइनेट को हीट करने पर, यानी कि NH4CNO, इसे हीट करने पर एक कंपाउंड बना जिसका नाम था यूरिया, यानी कि NH2CO NH2। और तब से ये राज पर्दा, इस राज का पर्दाफाश हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाए जाते हैं, ये हम अपनी लेबोरेटरीज में भी बना सकते हैं। और तब से फिर हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने खुद बना लिए और अब भी बनाते जा रहे हैं, और अब करोड़ों कंपाउंड्स है, करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसीलिए हमें इनका नाम लिखने की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए IUPAC को भी हमें पढ़ना होगा। यदि आपको पता होगा कि आप किसी चीज को पढ़ क्यों रहे हो तो उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। IUPAC को आप पढ़ोगे क्यों? क्योंकि यहां आलू को हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आलू को हम बोलते हैं डाइमिथाइल क्लोराइड, मान लीजिए हम बोलते हैं आलू को। अब कोई इंडिया में आकर किसी से पूछे कि भाई आप 2 किलो डाइमिथाइल क्लोराइड दे दो, वो सोचेगा हैं ये क्या है भाई, कहीं से कुछ बोलते हैं। तो मतलब एक बेसिक नाम हो गया जिस पर सब लोग एग्री करेंगे, सब कंट्रीज के लोग एग्री करेंगे। इसलिए हमें आईयूपीएससी की जरूरत पड़ी, एक ऐसा नाम जो कि हर जगह आपका एक्सेप्टेबल हो, सबको इसके बारे में पता हो। खैर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि वे कंपाउंड्स जो कि आपके हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल मीथेन CH4, इथेन C2H6, इथीन C2H4, इथाइन C2H2। टेंशन नहीं लेने का है, इन्हें हम करेंगे कैसे ये नाम लिखा गया, ये IUPAC नेम है इनका या IUPAC नेम है, इसे हम कैसे लिखेंगे वो भी हम समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे खूब ढेर सारे क्वेश्चंस।
तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स भी बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स भी बोलते हैं। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स कनेक्टेड होते हैं केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से, उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मतलब कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल CH4, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे मीथेन, यहां पर कार्बन से चारों के चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं या सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यदि सभी कार्बन से जो एटम्स है सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आई रिपीट, CnH2n+2। सेकेंड टाइप है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, मतलब कि उसमें कार्बन और दूसरे एटम्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। यदि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एल्कीन्स, और यदि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एल्काइन्स। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n-2। एग्जाम्पल एल्किन्स का, एल्किन्स का एग्जाम्पल हो सकता है C2H4। एग्जाम्पल एल्काइन का, एल्काइन का एग्जाम्पल हो सकता है C2H2। और ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है IUPAC, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेने का है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार रिपीट करके देखिए, और जब हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको सारे फॉर्मूलाज भी रिवाइज कराऊंगा कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला एल्कीन का, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, कैसे इनके नाम लिखे जाते हैं, और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। कम से कम 2 या 3 लेक्चर इसमें लग जाएंगे हमारे, और लगने भी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये चैप्टर आपका होगा। इसमें कुछ लर्न करने का इतना खास नहीं है, इसमें प्रैक्टिस करने का ही है। तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।